नमस्कार दोस्त। आज 8 जून एसएससी के एक तो क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करूंगा और इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 जो कि काफी परेशानी वाला क्वेश्चन रहा है, हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन प्रायः आता हुआ दिखा है मुझे, और इसको समझाने का मैं एक ट्रिक आपको देता हूँ। अब इसको देखें और इसको समझने का प्रयास करें और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझें, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स आप आगे और देंगे उस सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिलते ही रहेंगे। एक या दो क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हमको नहीं लगा कि इसमें से डिस्कस करने वाला है, लेकिन एक दो क्वेश्चन है ऐसा जिस पर कि डिस्कस करेंगे, खास करके क्वेश्चन नंबर 2 तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलते क्वेश्चन नंबर 1 में। बेस्ड ऑन मेमोरी है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अंतर कर सकता है। कोई आर्टिकल है जिसका कि प्राइस है, मार्क प्राइस है, ये अंकित मूल्य उसको हम लोग बोलते हैं 35,000। लेकिन मार्केट में 2 दुकान है जिसमें कि एक दुकान में 20% का स्ट्रेट डिस्काउंट दे रहा है और दूसरे दुकान में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 16% एंड 4%। कौन सा कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए अच्छा होगा? इसके प्राइस से कोई मतलब नहीं है, प्राइस कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको प्राइस का वैल्यू मांग नहीं रहा है कि कितना कीमत हमको चुकाना है, आपको सिर्फ ये पूछ रहा है कि कौन सा बेटर है। तो प्राइस से कोई लेनी देनी यहाँ पर नहीं है। हम लोग मान लेते हैं कि उसका जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपया है। अगर 100 रुपया होता तो कस्टमर को ए शॉपकीपर से, पहले दुकान से, वो अगर 100 रुपीज उसका प्राइस है तो उसमें 20% का डिस्काउंट होने के बाद वो आर्टिकल हमको 100 माइनस 100 × 20/100 यानी कि 80 में ये आर्टिकल हमको प्राप्त होता। ठीक, अब दूसरे दुकान की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, प्राइस हम लोग सेम रखेंगे, 100 प्राइस सेम होगा, दोनों दुकान में सेम प्राइस है, मार्क। तो अगर ये सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो अगर 100 रुपया उसका कीमत है तो वो हमको मिलेगा 100, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है इसलिए 1 − 16/100 × 1 − 4/100 इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 100 × 100 − 16 = 84, 84 × 100 − 4 = 96 और बाय हो जाएगा 100 × 100। एक 100 कैंसिल कर दो, 84 × 96, 86.4/100 80.60। दूसरे शॉपकीपर से हमको वो आर्टिकल प्राप्त होगा 80 रुपया 60 पैसा। इस प्रकार से दूसरे दुकान से वो आर्टिकल आपको 80.60 में मिलता है, 80 रुपीज 60 पैसे, और फर्स्ट दुकान से वो आपको 80 में ही मिलता है। तो फायदेमंद कौन सा है? तो फायदेमंद 80 वाला ही होगा। बेस्ड ऑन वर्किंग अल्टरनेटिव, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वर्क करने का ये जो प्रॉब्लम है ये काफी प्रॉब्लम बना रहा है। यहाँ पर एक्स किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट किया, ए स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेट डे, ए काम को शुरू किया और आज अगर ए किया तो कल ए नहीं करेगा, कल बी करेगा, फिर परसों ए करेगा, सी बी नहीं करेगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलते चलते ये वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। लेकिन इसको देखिए, मान लेते हैं ए बी और एक एलसीएम उसका निकालेंगे, ए उसको कंप्लीट करता है 6 डेज में, बी करता है 12 डेज में, ये दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12।
ठीक। अब ये जो एलसीएम निकला, इस एलसीएम में इससे डिवाइड करके वो फ्रैक्शन निकालते हैं हम लोग, 12 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 2 आता है। फिर यहाँ पर ये 12 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ ये नंबर 12 है इसलिए 12 से ही डिवाइड रह गया, ये आ गया 1। अब ये ए का वर्क है, ये बी का वर्क है, देखते हैं कि ये कितने दिन में कंप्लीट होता है। तो ये इस प्रकार से होगा कि ये ए 2 और ये 1, ये ए शुरू किया है इसलिए 2 पहले रखा और फिर बी, फिर ये 2, फिर ई, ए बी ए बी, इसी तरह से वर्क चलेगा। इसको आप देखिए कि ये 12 कब तक में आता है, यानी 2 1 3 2 1 3 3 3 6 6 plus 3 9 and 2 plus 1 12, ये 12 आ गया। ए शुरू किया था और अंत उसको किया बी। यहाँ पर कई क्वेश्चन में आपको ऐसा भी आएगा कि ए शुरू किया लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपका सीधा सीधे ये नंबर 12 आ जाता है, तो ये नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, 2, क्योंकि ए और बी अलग अलग दिन है, ए बी ए बी ए बी और ए बी, तो 2 to 4 to 6 to 8, यानी कि ये 8 डेज में ये दोनों अल्टरनेट डे वर्क करके इसको फिनिश कर लेंगे। एक और क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा परेशान किया हो। ए का इनकम 10% बी के इनकम से ज्यादा है, मोर देन 10% बीज इनकम, एंड बीज इनकम इज 20% लेस देन सीज इनकम, सीज इनकम, फाइंड द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी एंड सी। यहां पर हम लोग सी के इनकम को एक्स रुपीज एक्स मान लेते हैं। अब एज इनकम इज 20% मोर देन बी, पहले बी का देखेंगे, बीज इनकम इज 20% लेस देन सी, यानी कि बी का इनकम हो जाएगा 20% लेस, यानी एक्स इंटू 1 minus 20 by 100, तो ये कैंसिल होके 5 minus 4x by 5 हो जाएगा। अब ए का इनकम हो जाएगा, एज इनकम इज 10% मोर देन बी, बी के इनकम से 10% ज्यादा है, तो बी का इनकम 4x by 5 इंटू 10% मोर है, यहाँ पर प्लस करेंगे मोर है, यहाँ कम था इसलिए माइनस किए, 10 by 100, ये सिंप्लीफाई करेंगे, 10 1 11 11 by 10, यानी 44 by 5 इंटू 10 50x, ये होता है। अब ए बी और सी तीनों का इनकम हमको मिल गया इन द टर्म्स ऑफ ए एक्स, सो हम लोग निकाल लेते हैं, देयरफॉर एज इनकम इज टू बीज इनकम इज टू सी इनकम इज इक्वल टू ए का है 44x by 50 इज टू बी का इनकम है 4x by 5 और सी का इनकम है एक्स, सी का इनकम एक्स ही माना था। अब यहाँ पर 50 नीचे में है, सबको 50 करेंगे, तो इसको यहाँ 10 कर देंगे मल्टीप्लाई और ये 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा नीचे का, ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 44x, ये कैंसिल नहीं हुआ है, 44x is to 40x is to 50x। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, x भी कैंसिल कर लेंगे और 2 2 2 सब में इसको कैंसिल करेंगे, 22 is to 20 और is to 25, यही उसका रेशियो है। उम्मीद है मेरे सॉल्यूशन से आप जरूर संतुष्ट हुए होंगे। आगे इसी तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, हमारे साथ हो, हम लोग आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।